इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी कांग्रेस की तैयारी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र चुनाव में राजस्थान कांग्रेस के नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत को सीनियर ऑब्जर्वर, अशोक गहलोत को बनाया गया है मुंबई और कोंकण डिवीजन का ऑब्जर्वर, सचिन पायलट को मराठवाड़ा डिवीजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। महाराष्ट्र चुनाव में राजस्थान कांग्रेस के नेताओं की जिम्मेदारी भी बढ़ रही है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है और सचिन पायलट को भी मराठवाड़ा डिवीजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशांत पारिक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुशांत, महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की तैयारियां नजर आ रही हैं, राजस्थान के नेताओं को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल, सचिन पायलट, अशोक गहलोत दोनों नेताओं को महाराष्ट्र में लगाया है। इससे पहले भी उनके पास तजुर्बा है, खासतौर पर अशोक गहलोत महाराष्ट्र में लंबे समय तक एक्टिव भी रहे थे। जब क्राइसिस हुआ था पिछली बार, जब वो यहाँ पर सीएम थे, तब महाराष्ट्र के नेताओं से भी लगातार संपर्क में थे और यहाँ पर उनको ठहराने की और बाड़ेबंदी की सारी व्यवस्थाएं अशोक गहलोत के पास थी। तो अच्छा तालमेल, अच्छा अनुभव है। और सचिन पायलट को मराठावाड़ा डिवीजन की जिम्मेदारी देना और अशोक गहलोत को मुंबई और कोंकण की जिम्मेदारी के लिए, बड़ा मकसद वहां के नेताओं के साथ तालमेल। दूसरा, बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी भी वहां पर रहते हैं इन इलाकों में, और ऐसे में राजस्थान के वोटर्स को कांग्रेस के पक्ष में करना भी एक मकसद है। हालांकि जो लिस्ट है उसमें 5 डिवीजन की जिम्मेदारी अलग अलग नेताओं को दी गई, उसमें अगर आप देखें तो भूपेश बघेल जैसे नाम भी इसमें है, चरणजीत सिंह चन्नी जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। टी एस सिंह देव, जिसके सीएम जो छत्तीसगढ़ के रहे हैं, उनका भी नाम हम देख रहे हैं। और मुकुल वासनिक और अरविंद पांडे, अविनाश पांडे जो कि अभी यूपी के प्रभारी हैं, मुकुल वासनिक वरिष्ठ नेता हैं, दोनों को स्टेट कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी वहां पर दी है। तो पूरी विकास कांग्रेस बिछाने की कोशिश कर रही है और अलग अलग राज्यों के जो वरिष्ठ नेता हैं, प्रभावी नेता जो हैं, उनको वहां पर महाराष्ट्र में जिम्मेदारी देकर कांग्रेस चाहती है कि जो पंजाब में, हरियाणा में जिस तरह की परिस्थितियां रही हैं, उसके बाद अब चाहते हैं कि बड़े नेताओं का तजुर्बा टिकट वितरण से पहले जो तमाम फील्डिंग लगानी है उसके हिसाब से काम में। ठीक है सुशांत, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।